नमस्कार, आप देख रहे हैं सावर केसरी। मैं हूं सोनू चौधरी और आज हम आपको सीधा आलू के बारे में बात करेंगे और आलू दिखाएंगे। जो हमारे यहां से जो आलू जा रहा है वो अब हरियाणा जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। जो जैसा कि हम रोज़ाना आपको बता रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से अब आलू जो है बाहरी राज्यों की ओर रुख कर चुका है और जो आलू किसान हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन किसान जो हैं अभी तक अभी वीडियो देख के अनसुना करते रहे हैं और अनसुनाई कर रहे हैं। खुद किसान भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, व्यापारी भी हैं उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल किसान के पास में चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या रेट का तय हुआ है और आलू किसान हित में क्या क्या आलू किसान जो हैं अपने आलू को निकाल कर बेनिफिट ले सकते हैं। राम राम साहब, मेरा सारा देशवासियों से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। किसान भाइयों से किसानों का अहित नहीं होना चाहिए, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। किसान अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें और समय पर मौका पाने पर, वक्त आने पर जब मौका लगे, जब भी किसान अपने सामान को बेचने की क्षमता बनानी चाहिए। आज की तारीख में आलू की स्टार्टिंग 400 भी है, 450 भी है, 500 भी है, 650 भी है। हमारे किसान भाई अगर सोते रह जाएंगे एंड में चल के उनको लाभ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे किसी के पास अगर 1500 कट्टा है मेरे भाई पे तो उसको 500 कट्टे निकाल देने चाहिए। आने वाले समय में जुलाई के महीने में फिर थोड़े से निकाल दें। किसानों में इतनी कम बोझ से काम लेते हैं, एक साथ के लिए माल को रखते हैं, एक साथ माल रखने पर सेठ साहूकार मजबूत किसानों को चूस लेते हैं। किसान कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको कर्ज में इतना लाभ देते हैं कि किसान अपनी जमीन जायदाद जेवरात सोना चांदी और किसी से अपनी पार नहीं पा सकता है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ किसान भाइयों से, किसान में कोई जाति नहीं होती। चौधरी साहब ने कहा था कि किसान पूरा देशवासी किसान है। किसान अपने सामान को टाइम देख देख करके कई भागों में धीरे धीरे राक्षसों से, दुष्टों से, सरकारों से बचा बचा कर अपना काम अपने अपने मौके से थोड़ा थोड़ा करके हर माल को बेचना चाहिए। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आज जोड़कर सब देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। ये देखिए, काफ़ी इन्होंने सभ्य तरीके से बताया और किसानों के हित में बताया। 650 तक के रेट जो आलू के हैं और आलू किसानों से साफ कहा है कि जो आलू किसान हैं वो अपना माल जो है धीरे धीरे करके निकालते रहें। चाहे वो आपके 1500 कट्टे हैं तो 300 हैं तो 200 के बाद में आप कितना भी निकाल सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ ही इकट्ठा करके बैठे हुए हैं तो आप मात खा सकते हैं। ये उन किसान का कहना था जिन्होंने आलू परचेज़ किया था। एक और किसान मौजूद है, हम किसान से ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। भैया ऐसा है, सभी से नमस्कार भाई। ऐसा है कि किसी तरह से जो बोला है पप्पू भैया बोला है, जितना भी है उसे निकालोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं निकालोगे तुम 2000 के चक्कर में रहोगे। अगर किसी तरह से भाव नहीं आया तो फिर तुम कराओगे। तो इस वजह से तुम्हें आलू थोड़ा थोड़ा जरूर निकालना चाहिए। मेरा मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कैसे भी किसानों के लिए बिजली जरूर बहुत ज़रूरी है। बिजली जो है यहाँ 20 घंटे नहीं चल पाती है, रात में परेशान, दिन में परेशान। तो इस वजह से भैया बस यही था। लेकिन जो आलू के हिसाब से देखा जाए तो आलू क्षेत्र है ये, तो सजेशन यही है आपकी तरफ से कि किसान भाई अपने आलू को थोड़ा थोड़ा करके निकाल दे, नहीं लास्ट के चक्कर में बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल एकदम पूरा। अगर किसी तरह से और नीचे आ गया तो किसान को कुछ नहीं मिलेगा। अब रेट अच्छे चल रहे हैं, अब बढ़िया चल रहा है। क्या रेट चल रहा है? 650 तक चल रहा है। 650 तक किसान को निकालना चाहिए जी। देखिए, एक व्यापारी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और सीधा जानेंगे उनसे कि ये आलू अब कहाँ जा रहा है, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया था कि हरियाणा जा रहा है और कितने पैकेट ले जा रहे हैं, अब इनसे पूछते हैं और किस रेट के ले जा रहे हैं, क्योंकि रेट भी 650 तक है। तो इन्होंने किस रेट में परचेज़ किया है और कितना ले जा रहे हैं? ये आलू हम हरियाणा के लिए ले जा रहा है। ये आलू हमने फिलहाल 650 पैकेट यहाँ से परचेज किया भगवती कोल्ड स्टोर से। ये व्यापारी भाई है, किसान भाई, इन लोगों से हमने लिया और ये आलू हम 630 रुपये पैकेट में आलू का भविष्य क्या देख रहे हैं आप व्यापारी हैं, क्योंकि आप हर कोल्ड स्टोर में जा रहे हैं। अभी तो मान लो आलू का भविष्य लगभग ही बराबर है, क्योंकि पिछले साल आलू काफ़ी महंगा था और उसके अलावा अगर पंजाब में फसल इस समय बहुत अच्छी है,
और उस फसल के आने से पिछली बार वो फसल कम आई थी, अब आने से थोड़ा सा ये है कि लगभग आलू निकलता रहे तो ठीक है। आलू का भविष्य आप देख रहे हैं कैसा है? इसी लेवल पे लगभग रहेगा, और हो सकता है अगर हम समय से निकालेंगे आलू, अपने आलू की खपत लगातार चलती रहेगी तो आलू महंगी होने की चांस थी, और अगर रेट मिल भी सकते हैं लोगों को तो आलू किसानों को ले बस। हाँ ये कहा धीरे धीरे अपने पैकेट निकालते रहो, अच्छा है। ये खुद देखिए, हम आपको सीधा दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे, और 650 पैकेट हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है वहाँ के लिए इन्होंने परचेज किए हैं और लेके जा रहे हैं। काफ़ी सुखद अनुभव है, इनका साफ कहना है कि जो पिछली बार जो रेट मिले थे शायद वो ना मिल पाए, क्योंकि खपत होगी तभी रेट अच्छे होंगे। अगर आप इस तरीके की मैंटेबिलिटी पाले हुए हैं कि नहीं हमें तो 2000 का रेट चाहिए, तो वो रेट जो है अब मुश्किल दिख रहा है, जैसा कि व्यापारी बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम किसान इसमें लगातार वादे कर रहे हैं।